टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम इंडिया विनिंग ट्रैक पर सरपट भाग रही है। वर्ल्ड कप जीत के बाद पहले जिम्बाब्वे का सफाया किया, जिसके बाद अब श्रीलंका को उनके ही घर में मात देकर अपना रूप जारी रखा। श्रीलंका के अगेंस्ट टीम इंडिया ने टी20 सीरीज का तीसरा और लास्ट मैच सुपर ओवर में जीत के साथ ही सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। इस मैच में रोमांच अपने पूरे चरम पर रहा, जहां सूर्य कुमार यादव की इंडियन टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन ही बना सके, लेकिन इसके बाद बॉलर्स ने कमाल दिखाते हुए श्रीलंका को भी 20 ओवर में 137 के स्कोर पर ही रोक लिया, जिसके बाद सुपर ओवर में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 3 रन के टारगेट को हासिल करते हुए जीत हासिल कर ली। इस मैच में बॉलर्स का जलवा देखने को मिला, खासकर स्पिनर्स ने इस मैच में कमाल की परफॉर्मेंस दी, जहां टीम इंडिया के लिए तो सूर्या और रिंकू सिंह जैसे बैट्समैन ने भी अपनी फिरकी का जादू दिखाया और श्रीलंका को एक जीते जिताए मैच में हरा दिया। हुआ यूं कि टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए शुभमन गिल के 37 बॉल में 39 के बाद रियान पराग के 18 बॉल में 26 और वाशिंगटन सुंदर के 18 बॉल में 25 रन की इनिंग से 9 विकेट पर 137 रन ही बना पाई। इसके बाद श्रीलंका की टीम शानदार स्टार्ट करती है और वो एक वक्त तो एक विकेट पर 110 रन बना चुके थे, जहां से मैच उनके पाले में जाना तय माना दिख रहा था, जिसके बाद कुछ विकेट जरूर गिरे लेकिन लास्ट 2 ओवर में 9 रन ही बनाने थे और हाथ में 6 विकेट थे। यहां से रिंकू सिंह ने 19वें ओवर में 2 विकेट निकाले और 20वें ओवर में कैप्टन सूर्या ने 2 विकेट लेकर श्रीलंका को 137 रन पर ही रोक दिया। इसके बाद सुपर ओवर हुआ, जहां श्रीलंका की पारी 2 रन ही बना सकी और इंडिया ने मैच को आसानी से जीत कर सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। इस शानदार परफॉर्मेंस को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।